अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज मैं जी जा रही हूँ, अभी मैं रेडी हुई हूँ सिस्टर के घर, वहाँ पे इफ्तारी है और मेरी अम्मी जा रही हैं उमरा के लिए और माशाल्लाह और मेरी सिस्टर भी छोटी जा रही हैं तो उनको मिलना है रात, आज मैंने उनके पास रुकना है। और मैं सुबह से लगी थी कुछ, मैंने कहा था कि दो डिशेज मैं बना के लाऊँगी, मैंने वो बनाई हैं और अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर, मुझे छोड़ के आ जाएंगे। मैंने रात उधर रुकना है, कल मैंने वापस आना है। तो यहाँ पे मैंने ना बच्चों से मिलवाया है, हिरा से मिलवाया, बाकी बच्चों से बाद में मिलवाती हूँ। अभी ना आप सॉरी है, उसने रोज़ा रखा हुआ है। तो चलते हैं फिर ना कि अगले ब्लॉग जो भी वहाँ पे होगा मैं उनसे मिलवाऊँगी। मैं अम्मी से भी आपको मिलवाऊँगी और सिस्टर्स से भी मिलवाऊँगी, जो जो बंदा बीच में आना चाहेगा आ जाती है। मेरी सिस्टर भी सारी बीच में, लड़कियाँ नहीं आती तो चलो उनको नहीं देती, आ जाती हैं बच्चियाँ भी, जो जो भी आएगा मैं आपको ना ग्रुप से मिलवाऊँगी इंशाल्लाह। चले चलते हैं फिर हम यहाँ पे जी अमरी रोड पे। बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप आज तेज निकली हुई है, बाहर वेदर चेंज हो रहा है, मौसम काफ़ी चेंज हो गया। रात को तो बादल बने हुए थे, बारिश नहीं हुई, अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे अप्रैल आ गया है। हाँ ऐसे ही लग रहा है, अप्रैल में इतनी गर्मी होती है जितनी अभी है, शायद को बारिशें हों तो उसमें तो मौसम चेंज हो जाए। बहुत तारीख से बताई है बारिश, हाँ अभी तो बहुत गर्मी है। इस गर्मी के जैसे मैं तो आज लॉन के कपड़े पहन के आई हूँ, बाहर तो उससे भी ज़्यादा गर्मी है। यहाँ देखें ये फ्लाईओवर कितना अच्छा लग रहा है, चांदनी चौक, ये आगे चांदनी चौक है, अस्पताल। अच्छा अच्छा और मुझे जो है ना जी, हमेशा की तरह कभी भी रास्ते याद नहीं रहते, जगह के नाम याद रहते। यहाँ पे जी हम सदर में पहुँच गए हैं, बिल्कुल खामोशी है, रमज़ान पे जैसे इस वक्त देखें कोई रश नहीं है और जल्दी हम आ गए हैं, रोड बिल्कुल खाली है, इतना रश होता है दिन और रात, इशारे पे नंबर ही नहीं आता। हाँ नंबर ही नहीं आता, अभी बिल्कुल खाली, गर्मी है ना बैर और रोज़ा रखा हुआ है सारे लोग, शाम में शायद वो आज वैसे भी ठंडे है ना, घर के ऑफिस टाइम नहीं है, स्कूल में छुट्टी है इसलिए। ये देखें रोड बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, इतनी जल्दी पहुँचना था, इतनी जल्दी कहाँ पहुँचना था, हाँ टाइम पे ही हम आ गए। यहाँ पे इशारा बंद है, हम इशारे पे रुके हुए हैं। वैसे भी अब दिन में इतनी गर्मी होनी है, आगे कोई बाहर ही नहीं निकलेगा। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये हैं जी मेरे भाई, ये अभी आए हैं, ये भी इफ्तारी के लिए और वालदा को मिलने के लिए, गाड़ी अंदर खड़ी की है जी। तो यहाँ पे मैं सिस्टर के घर पहुँच गई हूँ और ये देखें जी यहाँ पे फ्रूट चाट तैयार हो रही है, देखा देखा कितना बड़ा, इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कितने लोग होंगे। और वहाँ बैठी है हमारी बड़ी सिस्टर, वो क्या काट रही हैं, सेब। और यहाँ बैठे हुए हैं जी हमारे भाई साहब, ये इंतज़ार में कि मेहमान सारे आए तो गपशप लगे। कंप्लीट होती है फ्रूट चाट तो उसकी शक्ल आपको दिखाएंगे। अच्छा जी सेब चाट का रेट कितनी होगा सर? ना जी इनकी सुपरविजन में मैडम रिजवाना साहब की सुपरविजन में तैयार हो रहा है, जो इंशाल्लाह अफ्तारी के लिए ये तैयार होगा, तो उसके बाद मैडम जी जी बिल्कुल दिखाऊंगी जी। ये जो भी बन रहा है मैं दिखाती हूँ, अभी जो हमने चना चाट बनाई है और दही फुलके हैं वो भी। हाँ भी जी ये चाट बना रहे हैं, ज़्यादा है तो हाथों से कर रहे हैं, हाथ साफ हैं गंदे नहीं हैं, चम्मच से मुश्किल लग रहा था ये एप्पल को। थोड़ा सा जूस दें जी, क्रीम वाला नहीं बना रहे, जूस वाला बना रहे क्योंकि पसंद करते हैं सारे, ये वाला थोड़ा सा बना बस। देख के मुँह में पानी आ रहा है सबके। हाँ
ये है जी फ्रूट चाट, ये चना चाट, ये भी चना चाट, वो फ्रूट चाट बाजी आगे से ज़रा अच्छा है, और ये भी फ्रूट चाट दूसरी चना चाट, और वो सामने है फरिश्ता नमाज पढ़ के अभी हटा है नमाज पढ़ के, और ये है जी ये फ्रूट चाट है, और ये दही फुल्कियाँ हम बना रहे हैं थोड़ी देर में वो भी दिखाते हैं, यहाँ इसमें खजूरें देखें कितनी रौनक लगी है माशाल्लाह, फरिश्ता क्या हाल है सिस्टर मेरी थकी हुई अभी हैं, और चीज़ रोल समोसे और गोला कबाब, हाँ और क्या नहीं खाया जाता ना, मेरी बेटी है शानूर कैसी हो सलाम करो, वालेकुम सलाम, कैसी है शानूर क्या कर रही हो, क्या देख रही हो, अच्छा आईपैड देख रही है, ये कुछ चीज़ें और ऐड हुई हैं तो मैंने इनकी वीडियो बनाई है, मिट्टी के बर्तनों में दही फुल्कियाँ रखी हैं, अभी सारी जब सेटिंग हो जाएगी तो फिर मैं दोबारा से आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे जी ये बन रहे हैं रोल चिकन रोल, और ये बन रहे हैं पकौड़े, मिल के हाथ मत डाले बीच में, अभी ना आप इस तरफ हो जाओ ना बटा कर बना लो, अच्छा तो यहाँ पे बना रही हैं जी अबीरा पकौड़े, अबीरा बनाएंगी, और इधर जी ये मेरी सिस्टर जो हैं ये जा रही हैं माशाल्लाह उमरा के लिए अम्मी के साथ, सलाम करें ना जी, हाँ हम सुबह से थक गई हैं दोनों बहनें, पूरे 15-20 दिन मानों की बिल से चलाना कोई आसान काम नहीं है, बस दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, और आमीन, जिस इम्तहान में जा रही हूँ अल्लाह मुझे कामयाब करे, आमीन सुम आमीन, अल्लाह आपकी दुआएं आपकी नमाजें कबूल फरमाए, आमीन, और यहाँ पे ये हैं वालेकुम सलाम, इनको तो आप जानते हैं पहले मेरे ब्लॉग में आते रहे हैं, भांजे मेरे हाथ में उठाई है तस्बीह, ये रमजान तक तस्बीह है बाद में भी है, अच्छा अच्छा बाद में भी होगी इंशाल्लाह, वो कह रही ये मेरी जेज की कढ़ाई है और मैंने ये निकाल ली है अभी दोबारा यूज कर रही हूँ, इसके साथ की बड़ी महंगी, पहले के बर्तन और तवे और पता नहीं क्या क्या, मेरी भी ऐसी है वो है बीच में आ रहा है नजर बट्टू, आ रहा है बीच में नजर बट्टू, नजर बटू बीच में आ रहा है, बड़े प्यार से पकोड़े डाल रही हो वीरा, बड़े दूर से आया वो समाप्त से आया, सोच सोच समझ समझ के इधर डाल ठीक है, बात बच्चों की चीजें पूरी हो गई है सारी, मंडे ही वाले थे चना चाट की फ्रूट चाट की, हां पानी यहाँ पे जी, ये भी मेरी भांजी हैं अभी आई हैं, वालेकुम सलाम कैसे हैं ठीक हैं, ये अब्दुल रहमान हैं इनके बेटे हैं, ये सबसे एंड में आए हैं, वालेकुम सलाम कैसे अब्दुल रहमान, सबसे पहले आना था, इन्होंने सबसे पहले आना था जी हेल्प करने के लिए, और ये सबसे लास्ट आई हैं, ये इनकी बेटी हैं, जहाँ पे जी ये दोनों माँ बेटियाँ बैठी हुई हैं अपने अपने पेपर टिकट्स वगैरह चेक कर रही हैं, सुबह इन्होंने जाना है, ये बाजी है मेरी, ये मेरी भाभी है छोटी, ये तो ना यहाँ पे ये आ गए गोला कबाब, तीन चार डिशों में तीन तीन चार चार चीजें रख रहे हैं,
सारे इसमें ना डालना, दूसरी प्लेट में डाल दे, इसमें रोल नहीं है। क्या कह रहे नहीं मैं कह रही थी कि वो रोल इसमें नहीं, इन दोनों में रोल कोई नहीं है। रखा है कबाब भी रखा है ये जा रहे हैं जी अंदर। माशाल्लाह देखें जी इसका नहीं है, बस मुस्तफा साहब की खिदमत कर रहा है, सबका रोजा है, बच्चों किस किस का रोजा है, अब्दुल रहमान का, रेहान मुस्तफा आपका, रेहान जी, ये मेरे दुश्मन में बैठे हुए हैं, कहते लाइक सब्सक्राइब किसी ने नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, ये है ना, ओए जब ही मैं रुकती है मैं किसी और से मनवा के लाती हूं, लाइक सब्सक्राइब करना, एक करे हमारा ये हमारा भी, तू किधर भाग गई थी, वो यहाँ पर बाजी का और अपने दोस्तों के साथ सारा शेयर करने, एंड टाइम पे तुम दोनों बाजार चली गई, ये कोई बात है वाला, लाइक सब्सक्राइब करे शेयर करे और बेल आइकन को भी दबाएं, थैंक यू मुस्तफा। यहाँ पर हमारा भाई जीता तो हमारे गाड़ी में ले गया, हमारा छोटा बेटा है, उसे का उसके लिए कपड़े, माशाल्लाह जी सारे रोजेदार बैठ गए, यहाँ पे जी लेडीज की अफ्तारी है, ये देखें बाजी फोन पे बिजी हैं, लेडीज आ गई हैं, यहाँ पे जी अफ्तार का टाइम होने वाला है, सारे बैठ गए हैं, यहाँ पे दुआ की जा रही है अफ्तारी से पहले, अल्लाह पाक कबूल करे इनकी अफ्तारी, आमीन। ये तो ये था आज का मेरा व्लॉग और जो रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की है, यहाँ पे इतना ज़्यादा शोर था ना, लोग ज़्यादा थे तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करनी, जज़ाकअल्लाह खैर, दुआ में याद रखे अपना।